Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. भगवान के नाम पे दे दे क्या हो गया भगवान के नाम पे दे दो जिसकी कुर्सी है उसको दे दो आपको क्या लगा कि मैं इधर भीख मांग रहा हूं 12 घंटे लगे मेरे को मेकअप में तब जाके ये लुक आई है अच्छा एक तो अमीर शक्ल की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटा रोल मुझे सूट नहीं करता बड़ा कोई देता नहीं खैर अर्चना जी हाँ. मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि आज ना इधर एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है उसने ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनानी है और आज अगर मुझे लीड भिखारी का रोल मिल गया फिर मैं सूट बूट पहनकर अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आऊंगा अच्छा अरे चंदू तुमने तो कहा छुट्टियां चल रही है तो फिर ऑफिस के कपड़े पहन के कहाँ चले बताओ आज कौन से सिग्नल पे मांगने जा रहे हो उसी सिग्नल पे जहां तुम मांगती हो आओ भूरी मिलजुल कर मांगा करें मिलजुल कर गाड़ियां रोकेंगे हम जिसने दे दिया उसका भी भला जिसने ना दिया उसका तुम पर्स मार के भाग जाना वैसे एक बार बताओ तुम भी अभी सिग्नल ड्यूटी से आ रही हो एक्सक्यूज मी शट अप ये मेरा कैरेक्टर लुक है ओके कॉलेज के प्ले में मुझे गांव की लड़की का रोल मिला है बस तुम्हारी तरह नहीं फुटपाथ पे नहीं बैठी रहती मैं सारा दिन अब बुरी मेरी हॉलीवुड की एक बार फिल्म तो आने दो तुम फिर देखना हॉलीवुड की फिल्म यस ओ मैं तुम्हें तो बताना भूल गया भूरी तुम्हें पता है आज इधर एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है उसने ट्रैफिक सिग्नल पे एक रियलिस्टिक फिल्म बनानी है अगर उसको तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी ना तो आने वाली फिल्म जुरासिक पार्क में तुम्हें एज ए लीड लोमड़ी का रोल भी मिल सकता है लोमड़ी हेलो या यस सर कमिश्नर साहब इंस्पेक्टर शमशेर रिपोर्टिंग सर मैं एक बात पूछनी थी आपसे मैं जा रहा था रंगारंग होटल में रेड मारने तो आप उधर तो नहीं हो नहीं मैं जब भी रेड मारता हूँ सबसे पहले कमरे में आप निकलते हो फिर मेरे को हाँ जी तो फिर आप पहले निकल जाओ आप एक काम करो आप 2:15 पे निकलोगे मैं 2:16 पे आता हूँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं. कैंसिल 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 आप 2:15 पे निकलेंगे 2:16 पे मैं गया पब्लिक को शक होगा मैं 2:17 पे आता हूँ ठीक है सर बाय सर मिस यू ये क्या हुआ ओ ये परसों बॉर्डर पे गोलीबारी वगैरह हो रही थी गोली लग गई आपको नहीं ये तो दरवाजे में है ये तो फिर इंस्पेक्टर साहब आप इधर भी चप्पल पहन लेते ये थोड़ी दरवाजे में है ओए ज्यादा पुलिस का फ्रैग ना निकलो यहाँ से भिखारी लोग खड़े सिग्नल चलो भागो यहाँ से ऐसे कैसे भागो फुटपाथ हमने लीज पे लिया है 2 साल के लिए 2 साल के लीज भागो यहाँ से कानून को तो कोई नॉलेज है नहीं इस बारे में तूने कुत्तों से लिया लीज पे बकवास कर रहा है चलो शर्म नहीं आती तुम लोगों को अच्छे पहले हाथ पैर तुम लोगों के भीख मांग रहे हो तो 5-10 रुपए के लिए मैं क्या अपने हाथ पर तोड़वा लूं कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप कंबल तो ऐसे लिए जैसे बड़ा गजल गायक है देखो हाथ पैर नहीं तू अपना मुंह तुड़वा अच्छा इसको रीडेवलपमेंट में भेजो ओके हो सकता है कोई अच्छा व्यू मिल जाए ओह माय गॉड खाम खा इंसान बन के घूम रहा है तू तेरे ये जो जितने ये फर आई हुई तू तो जर्मन शेफर्ड लग सकता है
अब बड़ा मजा है कुत्ता बनने में. देखो एक तो कोई पूछेगा नहीं क्या काम करते हो, शादी हुई है नहीं हुई, कोई नहीं. लोग जो भी आएगा दो बिस्कुट देगा, तुझे सिर्फ ऐसे ऐसे करना काम खत्म. और ऐसे वो चेस्ट पे मसाज अलग से करती लड़कियां, साथ में अलग अलग तरीके के पैर चाटो. अगर चंदू ने पैर चाटने होते ना तो आज ट्रंप के शो में लीड हीरो होना था. ओए हैंड वॉश की एड में आने वाले कीटाणु इधर डंडा देखा है मेरा या. तेरे को शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? इंस्पेक्टर साहब तो क्या करें, आप बताइए रोजगार है कहाँ? मरने और धरने के अलावा इस देश में चल क्या रहा है आप बताइए? ओहो क्या ओहो, काम करें आप बताइए. एक तो तेरे पहले इंटरव्यू आ रहे हैं कि काम नहीं है तेरे पास. ऊपर से ऐसी बातें बोल रही है. ओए सुनो मेरी बात, जहां चाह वहां राह. मतलब मतलब एक बात तूने अच्छी बोली, एक मैंने बोल दी, अब निकलो यहां से. और काम वाम क्या लगा रखा है, इतने काम है दुनिया में, जाओ जाके चोरी करो, कहीं डाका मार लो. कैसी इंस्पेक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती, आप हमें चोरी करने के लिए बोल रहे हैं? डाका मारना कोई इजी काम नहीं है, चोरी करना कोई इजी काम नहीं है. सारी सारी रात जाके डार्क सर्कल पड़ जाते मेरे अभी तक ठीक नहीं हुए. चोरी करना कोई इजी काम नहीं है, चोर है तो पुलिस है. आप देख लो चोरी होती है तो आप लोग हमें बुलाते हो. कभी आपने हमें बर्थडे पे मुंडन पे बुलाया? लोग तो हमें हनीमून तक पे नहीं बुलाते. हाँ हमें कहते प्राइवेसी चाहिए, कानून को जैसे पता ही नहीं कि प्राइवेसी लेके तुम लोग क्या करते हो. और सुनो मेरे भीख मांगनी है ना, चलो पहले जाके सरकार से परमिशन लेके आओ, मर मैं तेरे. जाओ जाओ पूरी, मैं तो डंडा सह लूंगा, तुमसे नहीं सहा जाएगा, जाओ. हेलो हेलो हेलो, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल सिग्नल. माय सेल्फ हॉलीवुड डायरेक्टर जॉन हैट्रिक. माय सेल्फ इंस्पेक्टर ओनली मैट्रिक. देखिए मुझे यहाँ सिग्नल पर एक फिल्म बनानी है. तुम लोग अंग्रेज लोग इतने खुल गए, गंदी गंदी अंग्रेजी फिल्में सड़कों पर बनाओगे? कौन सी अंग्रेजी फिल्म गंदी है? जुरासिक पार्क. जुरासिक पार्क का गंदी है? इतना बड़ा डायनासोर तुम लोगों ने नंगा दिखा दिया. वो इसीलिए शर्म के मारे विलुप्त हो गए वो. ओ यार मैं ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनाना चाहता हूँ. पेंट तुमसे संभाले नहीं जा रही, फिल्म बनाएंगे. फिल्म बनानी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. बड़े भाई देखो 15 लाख में परमिशन मिलती है, मैं तुम्हें 10वीं दिला दूंगा. तुम मुझसे घूस मार रहे हो, मैं तुम पे केस कर दूंगा. मैं भी तुम पे केस करूंगा. क्यों? इतने सालों से अंग्रेज लोग हमारे यहाँ से मसाले बाहर लेके जा रहे हैं, एक बार भी सब्जी नहीं खिलाई इन्होंने. तुमको सब्जी खिलाओ, तुम मेरा जीजा हो. तुमको जीजे के बारे में कैसे पता, तुम्हारे तो होते नहीं उधर अंग्रेजों में तो. नहीं हाँ सबको अंकल आंटी अंकल आंटी कह के सारे रिश्तेदारी निपेट देते हैं पूरी. देखो प्रॉब्लम होती है हम पंजाबी लोगों में. क्या? ओए ओए रिश्तेदार जब आते हैं शादियों में हर एक के नाम की अलग अलग बोली डालो जी. बारी बरसी खटन गया जी, खटके ले अंदा पिज्जा, भंगड़ा ता सजदा, नचे मुंडे दा जीजा. जीजा अच्छा जीजा पे तो फिर भी बन गई, फुफड़ पे बनानी हो और ज्यादा प्रॉब्लम है. बारी बरसी खटन गया जी, खटके ले अंदा कुकड़, भंगड़ा ता सजदा, नचे मुंडे दा फुफड़. अच्छा ये बोली जब डालो फुफड़ और कुकड़, और जीजा नाराज हो जाता है कि फुफड़ में कुकड़ डाला है, नॉन वेज हमारा वेज है. ये बड़ी प्रॉब्लम है. Oh my God, you are Punjabi. भले 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 भले. नहीं तुम लोगों को क्या लगता है? क्या? कि ये जो पंजाबी होते पैदा होते रोते नहीं, हुआ हुआ नहीं, मतलब भले 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 कर गए थे. मैं कहाँ फंस गया? मुझे एक ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनानी है, अभी तक तो मेरी कास्टिंग भी नहीं हुई. कास्टिंग करनी है, कास्टिंग. भगवान के नाम पे दे दे, 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 भगवान के नाम पे दे दे. रोल ही दे. ओ हेलो, वो भिखारी में फिल्म बनाने आए. फिल्म बना के भिखारी नहीं बनने आए वो. तुम दोनों को कैसे ले लें? हेलो सर,
Myself is Chandu Bhikhari and she is my wife, Bhoori Bhikhari. No wife, independent beggar, sir. Independent. वो क्या है ना, आप हमें फिल्म में भिखारी का रोल दे सकते हैं. मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ और ये ठीक ठाक है. अच्छा. बहुत अच्छी एक्टर तो इस शो में भिखारी ना बनी होती तू. सर, अगर आपने मेरे को फिल्म में रोल नहीं दिया तो मैंने गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देनी है. चंदू, इसके पहले कि सिग्नल रेड हो जाए, फटाफट जान दे दे. मैं अपने मुंह से वो ना दे दूं जो फैमिली शो में नहीं दिया जाता. क्या चाहे? चाय तो दे ही सकते फैमिली शो में. दे सकते तो लेके आओ फिर. चाय ले गया. और तू छोटू, टेबल पे कपड़ा मार. चल. बहुत कपड़े मार लिए छोटू ने टेबल पे. हाय हाय. अब ये छोटू बड़े रोल पे बड़ा हाथ मारेगा. वाह वाह वाह. सर, ये मेरा राइट प्रोफाइल है. अच्छा. और ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल है. और मैंने डंडा मार के तेरी दोनों प्रोफाइल सुझा देनी है. ओ हेलो जॉन, मैंने डिसाइड कर लिया है फिल्म में हीरो मैं आता हूँ. और मेरी फिगर के हिसाब से कोई हॉट सी हीरोइन लेके आओ. नो 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 नो, मुझे फिल्म में सिग्नल के नेचुरल कैरेक्टर चाहिए तो मुझे इसको ही लेना पड़ेगा. कम सुंदर, नॉट हॉट एंड विदाउट ग्लैमर. Excuse me. क्या हुआ? Director sir, I am very, very, very hot. Oh, और funny भी नहीं है. शमशेर जी कैसे? ओए ओए, भिखारी तो आया है तो बधाई मांगने वाले भी आ गए. इतने लोग लेके कहाँ जा रही है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग. मैंने ना इन लोगों पे नया मैसेज ट्राई किया था. अच्छा. वो फेल हो गया तो मैं इन लोग को फेंकने के लिए जा रही थी. नहीं तो क्या, ये लोग मार्केट में जाके ना नाम खराब करती. चलो उठ, उठ, चाहे इन लोग को लेके जाना नाला सुपारा. किसी को बोलने का नहीं, मैंने मैसेज किया था. ठीक है. एक मिनट. ओ मोटा भाई, ये मुझे पता है तुम अंग्रेज लोग बड़े फ्रैंक होते हो, पर ये नेचुरल ब्यूटी मतलब कैसे? तुम्हें पता है जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी वाली बंदी जो थी वो भी इससे ज्यादा बंदी थी. ये नेचुरल ब्यूटी. वाह. व्हाटएवर, लेकिन मुझे ऐसी घिसी पिटी लड़की चाहिए इस फिल्म के लिए. ए क्या छिली हुई मूली सलाद में डाल के खा जाएगी? तेरे को बकवास किया तो आज पका भटूरा. वेरी गुड, ऐसी अनएजुकेटेड लड़की चाहिए. वाओ. अरे वाह, भौंकता भी है. सपना, कांग्रेस. ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं. इधर ये भिखारियों पर फिल्म बनाने के लिए आए हैं. तू लीड हीरोइन, मैं लीड हीरो. ढाई घंटे की फिल्म है. ढाई घंटे की? ये जड़ी इधर है. क्या? हम लोग अपने एक घंटे के शो में इस पे 5 मिनट का रिस्क नहीं लेते. आप ढाई घंटे का पिक्चर कैसे सोच सकते हो सर? सपना, मुझे छोटा कह रही हो? एक बार याद रखना, घड़ी में ना छोटी सुई चलती रहती है तभी जाकर एक घंटा होता है. वाह, क्या डायलॉग मारा है. क्या घंटे की बात की है इसने. जोरदार तालियां हो जाए. शर्म कर, शर्म. अंग्रेज लोग के सामने भिखारी बन के घूम रहा है इधर इंडिया में. मुझे देख कितनी मेहनत करती है. मैं चंद पैसों के लिए अपना जमीर कभी भी नहीं बेचती. चंद पैसे नहीं, हम 1 करोड़ देगा. जमीर छोड़, माँ बाप भाई बहन सब ले पैसा मिलेंगे. अरे लेकिन सपना, बाकी तुम्हारे रिश्तेदार वो ओरिजिनल है या वो भी तुम्हारे जैसे असेंबल्ड पीस हैं? तू बड़ी जलपरी बनी है ना. इसका तो यह कल एक लड़के को बोली, मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलेगा क्या? लड़के ने सामने से जवाब दिया, मैं लड़कों के साथ फिल्म देखने के लिए नहीं जाता. ये तो है इसकी हॉटनेस. अरे वो मैंने कैप पहना हुआ था. अरे नॉर्मल कैप पहना करना, मंकी कैप पहन के कौन घूमता है मार्केट में? चलो एक बार के लिए मंकी कैप पहन भी लिया, लाल टेन लेके कौन घूमता है मार्केट में?
डायरेक्टर साहब, मैं आपकी फिल्म में भिखारी का रोल करूंगी। ऐसे कैसे, भिखारन में हूँ लेकिन लीड भिखारी मैं। नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं भिखारी, मैं भिखारी, मैं भिखारी। हेलो सोनी साहब, मैंने पहले कहा था एक कलाकारों की आड़ में हमने भिखारी भर्ती किए हैं, हो गए शुरू सारे। और डायरेक्टर साहब इधर, इन सबको छोड़ो, कोई हॉट सी लड़की बुलाओ, मैं को हीरो लो। चलो ठीक है। रामू सारे कंबल लाए हो ना? जी मैडम। देखो यहाँ पे कोई तो गरीब मिल ही जाएगा। आ जाओ आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या ये आप क्या कर रही हैं मतलब? जी मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांटने आई हूँ। अच्छा, आप सिर्फ प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ले आएंगे। मैं मैम एक्चुअली आप सही जगह पर आए, इधर सब भिखारी लोग हैं, ये भिखारी है, वो दिनेश भिखारी है, गिटार पे सब भिखारी लोग हैं। सही हाँ जी। good, अगर good. आपको ब्रांडेड चाहिए तो भांजों में भी काफी वैरायटीज है। अरे आप लोग लड़िए मत, मैं सबके लिए कंबल लाई हूँ, मुझे कंबल बांटने। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये मैडम यहाँ कंबल बांटेगी और तुम भिखारी बन के अपनी लाचारी मैडम की तरफ पहुँचाने की कोशिश करो, यही तुम्हारा वीडियो टेस्ट होगा, तुम्हारा एक्टिंग का टेस्ट होगा, तुम भिखारी बनो। अच्छा अच्छा, मैं पहले वेट फॉर अ मिनट। ओके स्टार्ट। मैम बेबी पिंक कलर का कंबल मिलेगा क्या? ये पिंक कलर के सुअर धोदोगे ना, इसका दिमाग खराब हो गया। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जस्ट टेक इट। गुड वन। मैडम चार दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे एक कंबल दे दो। पीछे हो जरा, इसकी गर्दन तोड़नी मैंने। चार दिन से कुछ नहीं खाया, एक कंबल दे दो। मेरे को शक है मेरे मोटरसाइकिल की गद्दी में से फोम निकाल के इसी ने खाई है। भीख भी नहीं मांगनी आती इनको। आज अगर कहीं मैंने साड़ी पहनी होती मैं पीटता तेरे को। मैडम आप मुझे एक डबल बेड का कंबल दे दो। डबल एक डबल बेड दे दो, एक बेडरूम दे दो विद अटैच्ड बाथरूम, एक किचन और बस। प्रधानमंत्री बना दे। प्रधानमंत्री बनाया तेरे को कैसे? राष्ट्रपति नहीं बन सकता मैं? लेट लेट चंदू एक मिनट, ये पूजा है कपिल शर्मा ने जो तुम्हारी हर मांगे पूरी कर दे। पूजा ये तो फिर डायरेक्टर हो गया भी। देखो इतने सालों से साथ है ये, आज इसने पहली बार अच्छी बात बोली है। तेरे 10 एपिसोड पक्के। ये तेरा 10वां ही था। ओ जॉन जॉन इधर आओ। नहीं बात, ये क्या तुम भिखारियों में फिल्म बना रहे हो? कोई ओपनिंग नहीं लगेगी, ये खुद ही ऐसे ऐसे करके देखने घुस जाएंगे। रोमांटिक फिल्म बनाओ, हीरो मैं, हीरोइन वो मैडम जो आई ना कंबल वाली। नहीं नहीं मुझे रोमांटिक फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बोल तो ऐसे नहीं जैसे हमने तुम्हारा इंस्टाग्राम देखा ही नहीं। अभी फुकेट की फोटो में देख देख के फुकेट में मैं घर पे पकड़ा गया पता है। ये वो है। इनके साथ तो मैं और दो तीन फिल्में बना सकता हूँ। कीप इन टच, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, लाइफ बना दूंगा। कीप इन टच वाइफ बना दूंगा। एक्सक्यूज मी। अरे जब से आई हो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी के अलावा कुछ आता है? कुछ आता है? एक मिनट बहन, आज तुम घर जाके ना ठंडे दिमाग से सोच के देखना, क्या तुम्हारा ये बोलना बनता था? मोटा भाई मेरे कदम, फिल्म की लोकेशन चेंज करते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड कौन सा भिखारी जाता है? तुम हमारी प्रियंका को बाहर लेके चले गए, दीपिका को हॉलीवुड भेज दिया, मुझ में क्या कमी है? आई डिजर्व हॉलीवुड। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है,
हम इसको अपने थॉट्स से भी बेदखल करते हैं. सॉरी. चलो यार, चलो चलो. शट अप, इतनी घटिया बात की. आई डिजर्व हॉलीवुड. हट, तेरे को कोई पानी पूरी ना खिलाए, हॉलीवुड जाएगी. अब आओ मैडम, हम भी आपके साथ चलेंगे. हे मुकेम्बो, हे मुकेम्बो, हे मुकेम्बो, हे मुकेम्बो. आप क्या कहती हो? See, I feel they're right because you've also come from abroad. They should also go. You know, there'll be a mutual understanding between all of us. Then it'll be a good thing. Yeah. मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है. तो मेरी तरफ से तो आते ही तुम्हारे हाँ थी. चलो इसी बात पे छोटी-छोटी शादी हो जाए अदरक डाल के. देखो, मैं यहाँ शादी देखने नहीं आया हूँ, मैं फिल्म बनाने आया हूँ. तेरे को तो फिल्म बनानी है ना. तेरे को हाँ, तो फिल्म बना लेना. शादी से पहले भी तो शूट होता है, प्री वेडिंग शूट होता है जो. डीडीएलजे वाले पोज बनाएंगे ऐसे सरसों के खेत में, उसके बाद निकल के सीधा गन्ने के खेत में घुस जाएंगे. नहीं नहीं, एक मिनट, डीडीएलजे में गन्ने का खेत तो था ही नहीं. तभी तो मरीशपुर ने पकड़ लिया था. इस बार रखते हैं. सर, आप मुझे अपनी फिल्म में आंखें बंद करके हीरो ले सकते हैं. आंखें बंद करके ले सकते हो, खोल के तो कोई लेगा नहीं. नहीं 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 नहीं, और आपकी फिल्म में हीरोइन मैं. नहीं नहीं, हीरोइन नहीं, मेरे को हीरोइन. सर नहीं, नहीं सर, मैं मैडम मैडम मैडम, ये माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, चलिए चलते हैं. हां रामू, तुम गाड़ी निकालो, मैं मैडम आ रहे. आप कहां आ रहे हैं? दूल्हा साथ नहीं जाता दुल्हन के? अरे पर हमारी शादी कब हुई? कर लेते ना, कंबल के फेरे ले लेते हम. कंबल के फेरे कौन लेता है? लकड़ी के लेते हो? हाँ. तो लकड़ी के फेरे क्यों लेते हैं? लकड़ी में आग होती है. हाँ. कम्बल में गर्मी नहीं होती. लकड़ी के आसपास 7 फेरे होते हैं, कम्बल के 14 ले लेते हैं, बात खत्म. ओ दरोगा बाबू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक. अब अगर अपनी मैडम की इज्जत पर आंच आई ना तो लाशें बिछा देंगे, लाशें, समझे? ज्यादा रवि किशन बना ना तू, तो मनोज तिवारी को बुला के तेरा खेसारी ऐसा लाल करूंगा ना मैं. बकवास करता है. देखिए, लाल कीजिए या नीला, समझे? अब अगर बदतमीजी की ना तो सबको मार के कर देंगे पीला. ये रामू का पादा है. अरे वाह, मुझे मेरी फिल्म का हीरो मिल गया. ठीक है रामू, तुम हो मेरी फिल्म के हीरो. रामू वाह, और तुम हो मेरे आज जो पिटोगे. इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं और ये आया हमारे त्योहार करके हीरो बन जाएगा. लेडीज, तुम कह रही थी ना काम नहीं तुम्हारे पास, इधर आओ, ये पहाड़ तुम तोड़ो, उसके बाद तुम शुरुआत करो. जेंट्स बाद में आएंगे. चलो सपना, चढ़ जाओ इस पहाड़ पे, तोड़ो इसको, हीरो बनाएंगे तुम. आओ मैडम, आप मेरे साथ आइए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.